हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू रियल अकेडमी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक राइट हैंड रूल तो बिफोर वी अंडरस्टैंड राइट हैंड रूल एंड इट वर्क अस गो टू हम लोग बैकग्राउंड में जाते हैं पहले आपने एक कंसेप्ट पढ़ा है जिसको बोलते हैं जो आप लोग ने पढ़ा था इलेक्ट्रिक मोटर में कि अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है जैसे सपोज ये करंट कैरिंग कंडक्टर है ये जो कंडक्टर आपको दिख रहा है सपोज हमने अगर इस कंडक्टर से करंट पास किया तो ये डिस्प्लेस होता है। अगर हमने इस वायर से करंट पास किया तो ये डिस्प्लेस होता है वॉज द कंसेप्ट और जिसमें हमने पढ़ा था फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर इज बेस्ड अपॉन इट अब यह जो कंसेप्ट आ रहा है ना ये कंप्लीटली उसके उल्टा है द कंसेप्ट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन प्लीज रिपीट आफ्टर मी वॉट इज इट कॉल्ड एज इट कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वॉट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज ओके देखो ये नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल ऑफ अ मैग्नेट है मतलब इन दोनों के बीच में है मैग्नेटिक फील्ड और इस मैग्नेटिक फील्ड में हमने एक कंडक्टर रखा हुआ है एक वायर रखा हुआ है एज यू कैन सी करेक्ट आई रिपीट नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल ऑफ अ मैग्नेट है मतलब उन दोनों के बीच में मैग्नेटिक फील्ड है और इस मैग्नेटिक फील्ड में हमने ये वाला एक कंडक्टर रखा हुआ है अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या बोलता है इस मैग्नेटिक फील्ड में अगर हमने कंडक्टर को मूव किया इस मैग्नेटिक फील्ड में अगर हमने कंडक्टर को मूव किया तो कंडक्टर में करंट प्रोड्यूस होगा तो देखो हम लोग क्या कर रहे हैं हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं पे कितना इंपॉर्टेंट कितना इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है आई रिपीट वॉट द कंसेप्ट इज कॉल्ड इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन वॉट इज द मीनिंग ऑफ दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ध्यान से सुनो ये हमने क्या किया मैग्नेटिक फील्ड लिया नॉर्थ पोल साउथ पोल ऑफ मैग्नेट और इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हमने एक कंडक्टर रख दिया सिंपली एक वायर को रख दिया ठीक है अगर हमने इस मैग्नेटिक फील्ड में कंडक्टर को मूव किया तो इस कंडक्टर में इस वायर में करंट प्रोड्यूस होगा दैट इज वॉट इज कॉल्ड इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन सो वॉट द इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन इज वेन कंडक्टर इज मूव इन अ मैग्नेटिक फील्ड करंट इज प्रोड्यूस्ड या करंट इज इंड इन द कंडक्टर बात समझ में आ रही है मैग्नेटिक फील्ड में वायर को मूव करोगे तो वायर में करंट प्रोड्यूस होगा यहां हम करंट प्रोड्यूस कर रहे हम सप्लाई देखे इसमें से करंट पास नहीं कर रहे यहां पर हम कंडक्टर को मूव करके क्या कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी बना रहेन दरेंजमेंट वी हैव टेकन दिस कंडक्टर इस कंडक्टर के या इस वायर के जो दो एंड्स है इन दोनों एंड्स में यू कैन सी दैट हियर इज अ मल्टीमीटर कनेक्टेड ये मल्टीमीटर हमको क्या दिखाएगा कि सच में इस कंडक्टर को मूव करने के बाद करंट प्रोड्यूस हो रहा है कि नहीं हो रहा है ठीक है तो इस मल्टीमीटर को हमने माइक्रो एम्पियर्स में सेट किया हुआ है और अभी हम बात करेंगे इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की वट हैपन्स वेन द कंडक्टर इज मूव इन द मैग्नेटिक फील्ड ये वायर है इस वायर को अगर हमने मैग्नेटिक फील्ड में मूव किया तो इस वायर में करंट प्रोड्यूस होगा और वो जो भी करंट प्रोड्यूस होगा वो कौन डिटेक्ट करेगा वो डिटेक्ट करेगा हमारा मल्टीमीटर बात समझ में आई अब सवाल पैदा होता है कि ये जो करंट सर्किट में प्रोड्यूस होगा इस करंट का डायरेक्शन क्या होगा या इस करंट का डायरेक्शन कौन सी चीजों पे डिपेंड करता है ओके okay? तो कंडक्टर को मूव करने के बाद करंट प्रोड्यूस होगा और इस करंट का डायरेक्शन डिपेंड करता है दो तो चीजों पे एक इट डिपेंड्स अपॉन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड सेकेंडली इट डिपेंड्स अपॉन डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर मतलब आप कंडक्टर को ऐसे बाहर मूव कर रहे हो कि कंडक्टर को अंदर मूव कर रहे हो

एंड द रिलेशन बिटवीन दीज थ्री कौन सी तीन चीजों के बीच में रिलेशन द मैग्नेटिक फील्ड और डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर और डायरेक्शन ऑफ करंट इन तीनों के बीच में जो रिलेशन है दैट इज गिवन बाई फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल ना वॉट फ्लेमिंग्स राइट एंड रूल स्टेट्स फ्लेमिंग्स राइट एंड रूल स्टेट दैट वेन द फोर फिंगर थम्ब

ठीक है सो वॉट द फ्लेमिंग राइट हैंड रूल स्टेट इट स्टेट वेन द फोर फिंगर मिडल फिंगर एंड द दर म्यूचुअली इफ द फोर फिंगर द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड थम शोज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर देन द मिडल फिंगर शोज द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट करेक्ट तो अभी क्या करते हैं देखो ओके okay? उथ पोल so, है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक्ड इज डाउनवर्ड तो यहाँ यू कैन सी मेरा जो फोर फिंगर है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है थम शोज मोशन ऑफ कंडक्टर अब मैं इस वायर को दो टाइप से मूव कर सकता हूँ या तो इसको ऐसे बाहर के डायरेक्शन में मूव कर सकता हूँ या अंदर के डायरेक्शन में करेक्ट तो हमारा फोर फिंगर इज डीटिंग डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर मतलब अगर मैं इस कंडक्टर को बाहर के डायरेक्शन में मूव करता हूं तो मुझे थम वैसे रखना पड़ेगा और अगर मैं इस कंडक्टर को इस वायर को

तो फोर फिंगर इज शोइंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड द दोज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन कंडक्टर और मोशन ऑफ कंडक्टर तो हियर यू कैन सी माय थम्ब इज पॉइंटिंग आउटवर्ड्स, क्यों क्योंकि कंडक्टर कंडक्टर कहां से कहां गया कंडक्टर पहले अंदर था वो बाहर के डायरेक्शन में गया करेक्ट अंदर से बाहर के डायरेक्शन में गया तो माय थम्ब इज शोइंग द डायरेक्शन ऑफ

ना इफ आई मूव दिस कंडक्टर इनवर्ड्स मतलब मैंने इसको बाहर से ऐसे अंदर के डायरेक्शन में मूव किया पहले बाहर बाहर से अंदर तो क्या होगा अगेन माइ फोर फिंगर इज शोइंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड नॉट टू साउथ डाउनवर्ड नाव माई विल शो द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर विच इज इनवर्ड क्योंकि हम कंडक्टर को अंदर मूव कर रहे हैं कंडक्टर को अंदर मूव कर रहे हैं तो माई थम्ब इज शोइंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर नाउ यू कैन सी माई मिडल फिंगर्स आर शोइंग द डायरेक्शन ऑफ करंट करंट ये डायरेक्शन में ऐसे डायरेक्शन में मतलब ये वायर में से जो करंट जा रहा है ये ये डायरेक्शन में जाएगा ऐसे जाएगा एंड द मल्टीपीटर विल शो दिव कर दिस सो दिस इज हाउ द फ्लेविंग्स राइट हैंड रूल शोज अस द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस द करंट ओके सो फटाफट एक बार रिकुएट कर लेते हैं हमने बात की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में व्हाट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज ये जो वायर है ये जो कंडक्टर है इफ दिस कंडक्टर इज मूव्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड ये मैग्नेटिक फील्ड है और इस मैग्नेटिक फील्ड में अगर हमने कंडक्टर को मूव किया कंडक्टर को मूव किया तो सर्किट में या उस कंडक्टर में उस वायर में करंट प्रोड्यूस होगा दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन नाउ जो करंट वायर में प्रोड्यूस हो रहा है उस करंट की डायरेक्शन डिपेंड करती है मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन पे और हम कंडक्टर को कौन से डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं उसके ऊपर सो द डायरेक्शन ऑफ करंट डिपेंड्स अपॉन मोशन ऑफ कंडक्टर एंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड दैट कोरिलेशन इज गिवन बाई फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल दैट वेन द फोर फिंगर शोज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड थम शोज द मोशन ऑफ कंडक्टर देन द मिडल फिंगर शोज द डायरेक्शन ऑफ करंट सो दबाउट फ्लेमिंग राइट एंड रूल गाइज और इस फंडामेंटल पर काम करता है हमारा जनरेटर देखो नाम में ही जनरेटर है हम उसको जनरेटर बोलते हैं क्यों तो जनरेटर में क्या होता है जनरेटर में ऐसा ही एक मैग्नेटिक फील्ड होता है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर होता है एक कॉइल एंड व्हेन दैट कॉइल इज इन द मैग्नेटिक फील्ड द जनरेटर क्या प्रोड्यूस करता है जनरेटर प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिसिटी एंड इन द कमिंग टॉपिक्स वी विल बी सीइंग हाउ द जनरेटर वर्क्स और किस अलग अलग तरीके से जनरेटर के एक्सल को हम रोटेट कर सकते हैं okay, So, with this, we come to the end of Fleming's right hand rule. I hope you all have understood the concept very well. So, have a nice time, guys. Bye.